ये पौधा देखा देखा लग रहा होगा आपको, ये एक सकुलेंट वैरायटी का पौधा है। नाम शायद आपको पता ही होगा। इसमें साल में एक बार झूमर की तरह के फूल आते हैं, और शेड में आप इसको रख दो तो ऐसे पर्पलिश से पत्ते हो जाते हैं। नीचे देखो इसके छोटे छोटे और प्लांटलेट्स निकल रहे हैं, तो ये पर्पलिश कलर होता है इसका शेड में, और इसको रख दो धूप में तो ये अपना पूरा ही रूप ही बदल लेता है, और ये पर्पल जो कलर है ऑरेंज सा बन जाता है। पर फूल उस तरह से बदस्तूर जारी रहते हैं आना, साल में एक बार तो आएंगे इसमें फूल। और ये वैरायटी है कलंचों की, ऑर्नामेंटल वाला नहीं है, सकुलेंट की तरह के इसके पत्ते हैं। है तो कलंचों के होता ही ऐसा है जो सकुलेंट की तरह हो, तो ये कलंचो मैरनेरियाना है। इसको जो सॉइल होती है वो सैंडी सॉइल चाहिए बहुत ज़्यादा, जिसमें पानी ना रुकता हो, ऐसा ही कुछ इसको सॉइल मिक्सचर चाहिए। और धूप में मैंने आपको बता दिया, धूप में ये ऑरेंज सा कलर हो जाएगा, और धूप कम मिली शेड ज़्यादा मिली तो पर्पलिश कलर के पत्ते हो जाएंगे। तो प्रोपगेशन है, तो आप यहाँ देखिए इसमें हर पत्ते के पास ना यहाँ पे छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल रहे हैं। इवन मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये एक्चुअली ये प्लांट जो है ये टूट के गिर गया था, किसी जानवर ने इसको उखाड़ के फेंक दिया था, तो इसके पत्ते मुरझाने लग पड़े। तो फिर इस पौधे ने क्या किया कि पूरी ताकत लगा दी अपनी कि जगह जगह से बहुत सारे प्लांट्स बना दूँ। यहाँ पे एक पत्ता भी दिखाती हूँ जो अटैच ही है प्लांट के साथ, अटैच्ड में ही बहुत सारे छोटे छोटे बेबीज हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे प्लांट इसमें लगे हुए हैं। और इधर एक पत्ता नीचे गिर गया हुआ है, वो सॉइल के ऊपर है, और उसमें बड़े ही सारे बहुत सारे देखो साइडों में छोटे छोटे बच्चे प्लांट्स इसके लगे हुए हैं। तो इसने पूरी कोशिश की कि मरने से पहले मैं अपने जैसे और बहुत सारे प्लांट्स बना दूँ। तो प्रोपगेशन तो आप इसकी समझ गए कैसे होनी है, प्रोपगेशन होनी है इसकी या तो कटिंग से, इसमें बड़ी सारी एरियल रूट्स भी होती हैं। आप पूरी स्टेम पे, बड़ा पौधा होगा ना उसकी पूरी स्टेम पे देखोगे बड़ी सारी एरियल रूट्स होती हैं, तो जहाँ मर्जी इसकी कटिंग को लगा दो ये लग जाएगा। और लीफ से आपने देख लिया, लीफ को आप रख दीजिए ज़मीन पे, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे, अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे और रूट्स भी पकड़ लेंगे। आपको कोई ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, मतलब ये अपने आप ही प्रोपेगेट होने वाला प्लांट है, खुद ब खुद प्रोपेगेट हो जाएगा, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और सनलाइट मैंने बता दिया, जैसा पौधा आपको चाहिए, अगर तो चाहिए इस तरह का ऑरेंज कलर का, तो धूप में रखो इसको, पौधे को पूरे दिन की सनलाइट मिले इसको। और अगर चाहिए आपको पर्पलिश पत्तों वाला, तो उसको शेड में रखो। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना इसको, कम कम पानी देना है। मैंने पहले बता दिया कि मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और सैंडी होनी चाहिए, पानी रुके ना उसके अंदर। पॉट कैसा मर्जी यूज़ करिए, शैलो करिए, डीप करिए यूज़। शैलो करोगे तो ज़्यादा सोना लगेगा ये प्लांट, और डीप पॉट में इसको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत डीप इसकी रूट्स जानी नहीं है, तो ऐसे ही बड़ा सोना लगता है। और इसके अलावा फिर आप अगर करना चाहते हैं इसमें फर्टिलाइज़र ऐड, तो मत करो ऐड मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इसके जो पत्ते इस तरह से बेबीज़ ग्रो करते हैं ना, बाद में ये मदर वाला पत्ता है ना, जो प्लांट का पत्ता है वो बाद में गल सड़ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, और वो खाद का काम करेगा। बड़ा ही मन करता है खाद डालने का, तो साल में एक आध बार इसको मैन्योर डाल दो, नहीं तो नाइट्रोजन रिच इसको कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हो आप। जिन लोगों के पास बड़ा सारा टाइम नहीं होता ना पौधे लगाने का, तो वो इस पौधे को लगाना ऑप्ट कर सकते हैं। पानी तक डालने की ज़रूरत नहीं है, पानी भी कभी कभार डालने की ज़रूरत है, हफ्ते 10 दिन में जब आपको याद आया, जब आपको टाइम लगा है ना। नहीं भी डाल पाए पानी तो ये मरेगा नहीं, आप देखेंगे इस पत्ते थोड़े से मुरझा जाते हैं, और जैसे पानी डालोगे आप फिर से वाटर सप्लाई इसको शुरू होगी, तो ये दोबारा से वैसा का वैसा प्लम्प से इसके हरे भरे से पत्ते हो जाएंगे। हरे भरे मतलब तंदुरुस्त पत्ते हो जाएंगे इसके। और ये बड़े कॉमन ही प्लांट होता है, आपको कहीं पर भी ये लगा मिल जाएगा, तो आप इसकी कटिंग ले आओ, कटिंग नहीं मिलती चोरी से लाना तो एक पत्ता ही ले आओ, पर लगा जरूर लेना इसको।